नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है और आज हमारे पास कार है शेवरले बीट डीजल वर्जन, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेंट है कि ये गाड़ी स्टार्ट हो रहा है लेकिन आइडलिंग में इसके आरपीएम नॉर्मल आरपीएम से ज़्यादा रहते हैं और ये गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेटर का पेडल आप कितना भी दबाओ उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया है हमारा, लेकिन इसके आरपीएम नॉर्मल आरपीएम से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल आरपीएम लगभग होते हैं 950, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा है, 1000 आरपीएम से भी इसके ज़्यादा आ रहे हैं और इसका एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे आप दबाओ ना दबाओ इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गाड़ी बंद करना है, इग्निशन ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्कैन करेंगे और उसके बेसिस पर पता चलेगा हमें कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो स्कैनर हम लोग यूज़ करेंगे अपना KTS 570। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बेहतर नहीं है, सॉरी फॉर दैट। बहुत जल्द मैं एक DSLR खरीदूँगा। तो हमें शेवरले सेलेक्ट करना है, उसके बाद बीट सर्च करना है। ये डीजल वर्जन है तो मैंने यहाँ पर ड्राइव टाइप में डीजल सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद करना है डायग्नोसिस और इसके अंदर ECM है आपका 17C18। यहाँ आपको थोड़ा मैं क्लियर दिखाता हूँ। उसके बाद करना है सिस्टम सर्च, इसे इग्नोर करना है, ये वार्निंग दे रहा है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा कनेक्ट होने में। ये अभी ECM से कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा स्कैनर कनेक्ट हो चुका है और इसमें दिखा रहा है ये नंबर ऑफ एरर्स 3, EDC 17C18। और उसके बाद करना है हमें स्टार्ट। यहाँ एक बार और वार्निंग दिखाएगा, ऐसे करना है इग्नोर। कंटिन्यू। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन, एरर मेमोरी, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें क्या करना है, एरर मेमोरी में जाना है। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एरर 3 आ रहे हैं। पहला वाला आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर, एक और आ रहा है इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, तीसरा आ रहा है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर मेल फंक्शंस। तो दोस्तों, मैंने इस गाड़ी में सारी चीज़ें चेक कर चुका हूँ, मैं आपको मैं दिखा भी दूंगा अभी इंजन कंपार्टमेंट में जाके। इसका वायरिंग ओके है, सेंसर भी ओके है। इस गाड़ी में फॉल्ट है ECM का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका इंजन कंपार्टमेंट। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड है, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, यहाँ ये IAT सेंसर का दिखा रहा है लेकिन जबकि ये प्रॉपर लगा हुआ है, और एटमॉस्फेरिक सेंसर का भी दिखा रहा था ये। इसकी वायरिंग भी ठीक है, इसका कनेक्टर भी साफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एकदम क्लीन है, इसका ये वाला कनेक्टर भी एकदम क्लीन है। कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं है, देख नहीं पा रहा है, ये भी कनेक्टर क्लीन है। कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी में लगभग सारी चीज़ें ठीक है, इसका वायरिंग, फ्यूज, सारी चीज़ें ठीक है। इसमें फॉल्ट है ECM का, ECM इसका यहाँ पर लगा है, आप देख सकते हैं दो कनेक्टर हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, अभी हम इसका ECM चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गाड़ी में क्या सुधार आता है। तो सबसे पहले हमें इसका इग्निशन बंद करना है गाड़ी का। अभी इसका इग्निशन ऑन है तो इसका इग्निशन ऑफ करते हैं। हमारे पास दूसरा ECM भी है, यूज्ड ECM, सेम पार्ट नंबर का।
यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दो कनेक्टर हैं। सबसे पहले हम इस वाले कनेक्टर को निकालेंगे। और इसमें यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दो लॉक रहते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। तो इस वाले लॉक को निकाल के मैं इधर करता हूँ और इस वाले को भी साइड में करता हूँ और इसे बाहर निकालना है। यहाँ आप देख सकते हैं बाहर निकला है और ये वाला हमारा दूसरा ईसीएम है। वैसे अगर आप इस ईसीएम को देखें तो दिखने में एकदम सही लग रहा है, ये खुला भी नहीं है, एकदम अनयूज्ड है, ऐसा लग रहा है किसी ने इसे इस्तेमाल भी नहीं किया, एकदम नई कंडीशन में। आपको केवल ईसीएम लगाते समय एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जब ईसीएम आप इसके अंदर लगाएं तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच ना हो, नहीं तो इसमें फॉल्ट हो सकता है। अभी ये लग चुका है, इसके कनेक्टर लगाएंगे हम लोग। प्रोसेस वही सेम रहेगा, पहले इस वाले को लगाएंगे और उसके बाद इस वाले को लगाएंगे। अभी ये दोनों कनेक्टर लग चुके हैं, अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके इसमें क्या सुधार आता है या सेम कंडीशन रहती है। कैमरा थोड़ा आज हिल रहा है, एक्चुअली मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही काम भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, कोई नहीं। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी जो इसके आरपीएम 1000 से अबव जा रहे थे अभी 1000 बिलो है और आरपीएम इसके एकदम नॉर्मल हैं, गाड़ी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। और दूसरी बात इसमें MIL लैंप मेल फंक्शन इंडिकेटर लैंप भी नहीं आ रहा है। और मेन चीज़ आप देखते हैं ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रही है, एकदम नॉर्मल चल रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। और एक बार इसे स्कैन करके भी देखते हैं हम लोग कि अब स्कैनर क्या फॉल्ट बता रहा है, सेम फॉल्ट आ रहे हैं या फॉल्ट चेंज हो गए हैं। कंटिन्यू करेंगे। इस स्कैनर की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, इसमें जब बीच में ये डिसकनेक्ट हो जाता है तो आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू कीजिए और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एरर्स 0। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार और रीचेक करता हूँ, नंबर ऑफ एरर्स 0। तो दोस्तों इस टाइप की अगर कोई समस्या आपके साथ आती है तो आप ईसीएम बदल के देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये समस्या आए तो इसका मतलब यही है कि ईसीएम ही ख़राब है, और भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी रहती हैं, हो सकता है वायरिंग में दिक्कत हो सकता है कोई और भी समस्या हो, तो वो टैकल करना होगा। मैं एक जनरल प्रोसेस से सबसे पहले आप वायरिंग देख सकते हैं, उसके बाद सेंसर बदल के देख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप इसे बदल के भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और है इस गाड़ी के बारे में, काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी में, इमोबिलाइजर नहीं है तो मुझे कोडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने ईसीएम लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अंत में माफ़ी चाहूँगा कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड किया है, एक्चुअली मैं लॉकडाउन के बाद में थोड़ा काम भी ज़्यादा था और टेम्परेचर भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी बस काम करके गाड़ियाँ उठा रहे थे इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियो अपलोड करना। थैंक यू एंड टेक केयर, आई सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।